देखा होगा ना, नहीं भी देखा होगा तो मैं बता दूं, अकाउंट का, अकाउंटेंसी का। तो सब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें ना न्यूमेरिकल ही आए हैं और में, मतलब न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल ही दिखेंगे तुम्हें। पहले ऐसा होता था, पहले क्या होता था, देखो जैसे थ्योरी आती थी, थ्योरी के और में न्यूमेरिकल आता था, बच्चे क्या करते थे, उठा के थ्योरी पढ़ लेते थे, न्यूमेरिकल करते ही नहीं थे एमपी वर्ड में। पिछले साल ये हुआ कि लोगों के ना तुम्हें 60 से ऊपर नंबर भी नहीं मिलेंगे, बहुत कम, मतलब जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले थे उनके भी 60 से ज़्यादा नंबर नहीं है। उसका कारण पता है क्यों? उसका कारण इसलिए क्योंकि पढ़ा ही नहीं, उठा के थ्योरी थ्योरी पढ़ ली। बहुत से थे, हम ही बता रहे हैं ना, 15-16 सौ बच्चे जो रहे होंगे उनमें से पूरे कम से कम ऐसे थे कि जो पढ़ के ही नहीं आए थे, न्यूमेरिकल किए ही नहीं। जिसको अच्छे से आते थे उसने भी प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि उनको लग रहा था हम थ्योरी पढ़ के 85 ले आएंगे तो हम क्यों न्यूमेरिकल करें। पर अब पेपर देखोगे तो न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल है, थ्योरी का कम हो गया है, क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है, न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस किया जाता था और सीबीएसई ओरिएंटेड ही एमपी बोर्ड हो रहा है धीरे धीरे। तो हमारे यहाँ बुक चलती है राठी जनरली, तो राठी उठाना और राठी से मस्त पढ़ना, और एक एनसीईआरटी बुक रख लेना थ्योरी पढ़ने के लिए, क्योंकि थ्योरी के जो ऑब्जेक्टिव उठ के आते हैं ना, अभी क्या 32-33 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं ना, हाँ, तो ऑब्जेक्टिव जो है ना 32 नंबर के हैं, तो ऑब्जेक्टिव 32 नंबर के है ना, तो अब उसमें क्या है, पहले 25 के आते थे तो बच्चे ऊपर ऊपर पढ़ लेते थे, 32 के आते थे, थ्योरिटिकल थोड़ा अच्छे से समझना होगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा तो अकाउंट हो जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, थोड़ा सा रेशियोज का ज्ञान होना चाहिए। रेशियोज का मतलब कि जैसे ये लिखा है 2/5, तो 2/5 का मतलब क्या है ना, 2/5 का मतलब क्या है, क्या है 2/5 का मतलब? 8वीं 8वीं 7वीं पढ़े होंगे, तुम बता दो। चलो फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो है, मतलब इसका मतलब क्या, थोड़ा सा तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है, क्या हो गया ये? पांच के दो बार, कोई भी चीज होगी उसको पांच पार्ट हो गए, उसको पांच पार्ट करूंगा तो उसके दो पार्ट, ऐसा बोल रहा है। जैसे मान लो था ना, हाँ समझ गए, वो तो समझ ही जाओगे तुम, ये चार हो गए, एक और कर देते हैं, मतलब बराबर पार्ट है ये समझ के चल रहा, तो उसमें से ये दो हिस्से हैं, ये दो हिस्से जो हैं वो इसको ये फ्रैक्शन में से बताते हैं। और अकाउंट में ना पार्टनरशिप और फ्रैक्शन पे तुम्हें बात ज़्यादा होगी, इतना रेशियो मिल रहा है, इतना ये हो रहा है, उसके बाद सारी चीज़ें। तुम लोग ये एक और चीज़ पढ़ के आए होंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही लेंगे आज, उसके बाद देखेंगे। तुम लोग को ये किस किस को अकाउंट के रूल याद है, डेबिट क्रेडिट वाले याद है तुम्हें? भूल गए भाई? ये ना ऐसा है कि जैसे कि एक तुम हिंदी मीडियम बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम से तो हिंदी आनी चाहिए, मैथ पढ़ रहे हो तो नंबर आने चाहिए है ना, और इंग्लिश पढ़ रहे हो तो एबीसीडी आना चाहिए, उसी प्रकार का अकाउंट पढ़ रहे हो तो तुम्हें अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी ये पता होना चाहिए है ना। तो ये तो लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है, बताया था मैंने तुम लोग को, तुम लोग तो आए थे तो तुम्हें पता होगा। तो ये क्लियर वर्ड्स है ना, देखेंगे तो सी से देखोगे ना, सी से मतलब कैपिटल। चलो तुम बता दो एक जन कोई भी, एल का मतलब लाइबिलिटी, उसके बाद एक्सपेंसेस, ठीक है, ऐसे एसेट है ना, और उसके बाद हम देखेंगे आर, आर से मतलब रिवेन्यू। किसी को ये तो दिक्कत नहीं है कि भाई इसका मतलब ना पता हो, कैपिटल का लाइबिलिटी का पता है ना, बताओ कैपिटल का मतलब क्या है? वाह, कैपिटल का मतलब पूंजी। अब ऐसे तो मैं बोल दूंगा भाई कि टेबल को हिंदी में क्या बोलते, तुम हिंदी में कोई नाम हो वो बता देना, मतलब मीनिंग बताओ ना मुझे, मीनिंग पूछ रहा हूँ। चलो कैपिटल का मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर जो भी चीज लगाता है स्टार्टिंग करने के लिए वो कैपिटल होता है। लाइबिलिटी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, ठीक है, जैसे तुम्हारे माँ बाप के ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो वाली जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी? बर्डन ऑफ बिजनेस, बिजनेस मतलब फ्यूचर, बर्डन ऑफ बिजनेस बोलते हैं ना, बर्डन ऑफ बिजनेस मतलब ये मान के चलो भाई हम बिजनेस में, वो भी है बर्डन है भाई बिजनेस के ऊपर है ना, तो वो लाइबिलिटी है। जैसे कि भाई किसी, तुमने उधार लिया था उसको चुकाना है, किसी से उधार माल भी लिया होगा, कैपिटल भी एक प्रकार की लाइबिलिटी होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि जो बिजनेस होता है ना, ये बिजनेस और ये कोई पर्सन है, इसको ना अलग अलग एंटिटी मान के चलते हैं, यहाँ पे ये ओनर है और ये यहाँ पे बिजनेस है। तो यहाँ पे एक चीज तुम लोग नोटिस करना, मतलब कि हम बिजनेस और ओनर को अलग अलग चीज मानते हैं, तो ओनर का पैसा भी एक प्रकार से तो आउटसाइडर ही है, जब ये यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगाता तो बिजनेस को इसको रिटर्न भी तो करना होगा। अरे क्या हो गया, ठीक है,
इसको रिटर्न भी तो करना होगा, तो कैपिटल भी एक प्रकार से क्या होती है, लाइबिलिटी ही होती है। उसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब बिजनेस की एक्टिविटी चलाने के लिए है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी तुम खर्चे करते हो वो जनरल भाषा में, तो वो एक्सपेंस होंगे। एसेट, एसेट क्या होती है, संपत्ति क्या होगी भाई, एक आध एग्जाम्पल बताओ। टीवी हो गई ना, ये संपत्ति है ये, मतलब बिजनेस के, हाँ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये सर की संपत्ति, घर के लिए भी है पर बिजनेस के हिसाब से। इस देखो एक एक लाइन याद रहेगी ना तो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे कि इसको मैंने बर्डन ऑफ बिजनेस बोला है, तो ये बर्ड याद रहना चाहिए। तो भाई क्या है, तो बर्डन ऑफ बिजनेस क्या है, तो फ्यूचर इकोनॉमिकल वैल्यू। तो ये जो एसेट होगा वो क्या होगा, फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट है ना। क्या, मेरे भाई ने पढ़ाया हाँ लिखवाया क्या लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था बताओ। उसको मजा लेना बाकी है, फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट मजा लेना बाकी है। हाँ मतलब बाद में तुम उससे, फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट है तो आप बाद में उसको वो कर सकते हो है ना। अब रिवेन्यू मतलब जैसे कि जो तुमने कमाया है वो रिवेन्यू, जैसे 500 लगाया 700 कमा लिया ऑल ओवर, तो वो रिवेन्यू हो जाता है ना। उसमें जो 200 कमाया वो रिवेन्यू है जो जनरेट किया तुमने है ना। तो अब इसमें ना कोई भी चीज होगा ना बिजनेस में, वो इन इन चीजों में कैटेगरी में रहेगी, या वो कैपिटल होगी, या वो लाइबिलिटी होगी, या वो एक्सपेंस होगी, या वो एसेट होगी, या वो रेवेन्यू होगी। पहचानना तुम्हारे ऊपर है कि भाई वो क्या है, तो पहचानो कैसे, वो नहीं बताऊंगा क्योंकि 11th में पढ़ के आए हो, पढ़ा होगा तो, नहीं भी पढ़ा होगा तो थोड़ा तो पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा ये क्या है। अगर मैं यहीं पर लिखवा दूँ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का मतलब बताओ, लॉस हो गया हो। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग हाँ, ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा, अगर बिजनेस से पैसा निकालता है उसे ड्राइंग बोलते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। हाँ खुद के पर्सनल यूज बोला ना मैंने, तो अब भाई ड्राइंग, तो इसमें तुम ये भी पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब भाई तुम्हें ड्राइंग नहीं पता होगा तो कैसे करोगे, तो भाई आज जाके इतना काम तो कर ही लेना। पहला चैप्टर 11th क्लास की बुक बेचे तो नहीं हो अभी, दी नहीं दी ना, तो पहले राठी की है या फिर शिवलाल है, कौन सी है, राठी है ना, तो राठी में सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में उसकी वोकैबुलरी लिखी हुई है, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं उसको, तो वो एक एक बार पढ़ के पढ़ लेना, इतना काम कर लेना, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा है ना। अब देखो क्या होता है, ये चार चीजों में कैटेगरी में रहेगी ना, तो कैपिटल अगर बढ़ता है, इसका नेचर है कि भाई ये बढ़ेगा घटेगा ऐसा मान के चलो, तो कैपिटल अगर बढ़ता है ना तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल घटता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैपिटल और लाइबिलिटी सेम ही है, मैंने बताया एक प्रकार से देखा जाए तो, बस ये इंटरनल लाइबिलिटी है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है बस। हाँ तो ये भी बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको मिटा दो ऐसे हाथ से फिर, अरे हाँ पता है इतना तो ठीक है, यहाँ पे लिखवा देता हूँ ना। देखो इंक्रीज और डिक्रीज लिखवा देता हूँ, रहने दो, ऐसा कर लेता हूँ ना। बढ़ेगा तो क्या करोगे, आदत क्या बताऊं, LIC, अरे ऐसे ही याद हो जाता है। हाँ LIC, नहीं होगा, देखो मैं बताऊंगा, वो घटेगी तो क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे, ठीक है। लाइबिलिटी भी सेम इसकी तरह ही होती है ना, तो बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट, और घटेगी तो क्या करोगे, डेबिट। थोड़ा सा और तुम्हें लग रहा है, रेवेन्यू भी तो उसी नेचर का होता है। अगर भाई तुमने बिजनेस से 700 कमाए, मान लो 500 लगाए 700 कमाए, ऊपर ऊपर लेते हैं, तो 200 रुपये उसने एक्स्ट्रा कमाए, तो किसको देगा, ओनर को ही तो देगा बाद में, तो क्या है वो भी तो उसके लिए लाइबिलिटी हुई ना बिजनेस के लिए, तो ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा रिवेन्यू भी। अगर बढ़ा तो, बढ़ा तो क्या करोगे इसको, घटा तो डेबिट। उसके बाद जो ये एक्सपेंस और एसेट एक नेचर के होते हैं, तो अगर एसेट अगर बढ़ता है तो क्या करोगे, डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। एसेट भी यही करोगे, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, ये इतना पता होना। किसकी जगह, क्यों नहीं लिख सकते, इनकम लिख लो। अरे मैंने बस लिखवाया है, रिवेन्यू इनकम गेन ये सब लिखते हैं, पर अभी तुम्हें तो पढ़ के आयो ना, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो ये पता होना चाहिए। इस अब बोलो कैसे याद करें, तो याद करने का तरीका तुम्हें मैंने बता ही दिया, कैपिटल लाइबिलिटी रिवेन्यू एक ही तो नेचर के होते हैं, उसको ओनर को रिटर्न ही करना है ना। देखा जाए तो इनडायरेक्टली लाइबिलिटी है ना, कुछ डायरेक्ट लाइबिलिटी है, कुछ इनडायरेक्ट लाइबिलिटी है, तो ये तीन एक नेचर के हो जाएंगे। अब देखो एसेट और एक्सपेंस दोनों में पैसा खर्च होता है भाई, तुम यहाँ से गए 200 रुपये का तुमने पेट्रोल जला दिया, तो एक्सपेंस हो गया,
कुछ खरीदोगे, ये बड़ी संपत्ति खरीदी है, तो वो भी तो एक्सपेंसिव है, तो दोनों भी एक नेचर के हो गए, तो ये दोनों वो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखो, अब नेक्स्ट आते हैं। इतना आता था पहले से, अब देखो जैसे कि अब हम सेकंड चैप्टर में आएंगे, तो तुम लोगों ने और 11th में तुम लोग पढ़ के आए होंगे, 11th में जनरल एंट्री पढ़ी होगी, जिसको नहीं आती है आ जाएगी, पर ठीक है, तुमने जनरल एंट्री 11th में देखे होंगे। सबसे पहले तुमने जनरल बनाया होगा, है ना? जनरल बनाने के बाद क्या किया होगा, क्या बनाया था उसके बाद? लेजर बनाया था ना, और लेजर के बाद क्या बनाया था? सब्सिडरी बुक्स उधार के लिए बनाते हैं, तो वो लेजर के ही पार्ट हो जाती है एक प्रकार से, है ना? फाइनल अकाउंट बनाए थे, है ना? फाइनल अकाउंट बनाए थे। फाइनल अकाउंट में भी कौन कौन से बनाए थे तुम लोगों ने? तीन बनाए होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। हाँ, लेजर से पहले ट्रायल बैलेंस ही तो बनाओगे यहाँ पे, उसके थ्रू ही तो बनाओगे फाइनल अकाउंट, है ना? तो देखो, ये सब तुमने बनाया, तो उससे तुमने ट्रेडिंग से एक प्रॉफिट निकाला होगा, तुमने जनरल प्रॉफिट उसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिया होगा, ऊपर से जा रहा होगा मुझे पता है, पर सुन लो, प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस शीट में डाल दिया होगा। तो जो प्रॉफिट निकलता था ना, वो हम तुम 11th क्लास में तुम पढ़ के आए ना, तुम सोल प्रोपरेट पढ़ के आए हो, मतलब एक एक व्यक्ति का बिजनेस होता था। यहाँ से तुम पार्टनरशिप पढ़ोगे, दो दो चार या फिर दो से ज्यादा लोग उसमें बिजनेस में होंगे, तो वो प्रॉफिट उनके ऊपर बटेगा ना, उनके बीच में। तो ये प्रॉफिट बटने की कहानी से ही स्टार्ट होती है तुम्हारी 12th की बुक। 11th तुमने ये किया, उसका जो प्रॉफिट निकला है ना पार्टनरशिप में, तुम उसको उस प्रॉफिट को करोगे। पहला चैप्टर पार्टनरशिप है, तुम देखोगे तो पहले तुम पार्टनरशिप पढ़ोगे, फिर कंपनी मिलेगी तुम्हें, कंपनी के बाद पार्टनरशिप, वो कंपनी में ही सब खत्म हो जाता है, कंपनी के रेशियोज, कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे फिर तुम लोग, है ना? तो पार्टनरशिप वो कंपनी ही है, मेन 11th की ही बुक है। 11th जिसको अच्छे से आती है वो 12th बहुत अच्छे से करेगा, नहीं भी आती तो भी हम सीख ही जाएंगे, तो मन में ये मत रखना, कह रहे सर नहीं आया तो क्या करेंगे। चलो, तो अब अपना 12th का निकाल लेते हैं और पढ़ते हैं बुक चैप्टर निकाल। पढ़ के पार्टनरशिप आओगे ना, तो पार्टनरशिप पढ़ोगे शुरू में, पार्टनरशिप के ही शुरू के 5 चैप्टर हैं। तो पार्टनरशिप में क्या है तुम्हारे हिसाब से, तुम क्या समझते हो पार्टनरशिप, ये बताओ, अपन तो अपने नोट में ही देख लेते हैं। मतलब हाँ, तीन चार व्यक्ति मिलकर करते हैं। तीन चार व्यक्ति मिलकर करते हैं तो वो पार्टनरशिप होती है, ठीक है। और वही है भाई, देखो पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब है ना, कोई बिजनेस है उसमें दो पर्सन होंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं ना, कितने भी हो सकते हैं, पर उसमें लिखा हुआ है कि कितने मैक्सिमम, कितना हो मैक्सिमम 50, और मिनिमम दो तो होना ही चाहिए। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप ये ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप उठा के तुमने कर ली बस, कि उठा के क्या किया कि दो लोग मिलकर घूमने जा रहे हैं, वो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप वो नहीं है। मतलब भाई, आप लीगल एक बिजनेस चालू कर रहे हो, लीगल बिजनेस चलाने के बाद उस पैसा लगा रहे हो, और उसमें से प्रॉफिट कमाने की आपकी इच्छा है, और वो मिलके फिर आप आपस में प्रॉफिट बांट लेते हो एक निश्चित रेशियो में, वो क्या है, पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों पैसा लगाएंगे बिजनेस में, फिर इसमें से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, वो लोग आपस में बांट लेंगे। देखो यहाँ, देखो नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो देखो, व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन हैंड टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉसेस, दे आर सेट टू बी इन पार्टनरशिप। मतलब क्या, कोई दो दो या दो से ज्यादा लोग हैं उठा के बिजनेस में आ रहे हैं, और बिजनेस में आने का मेन कारण क्या है, प्रॉफिट या लॉस कमाना, लॉस कमाया नहीं जाता, लॉस हो जाता है, मतलब मेन काम क्या है, प्रॉफिट कमाना, है ना? तो वो किसके अंदर आ गए, वो पार्टनरशिप के अंदर आ गए। इंडिविजुअली उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं, और जब वो साथ में होता है तो पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, नहीं मतलब जो बिजनेस होता है उसे फर्म बोलते हैं, और जो उन लोगों ने जो सहमति की है वो पार्टनरशिप होती है। उसके बाद देखोगे तो देखो, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज द, अब क्या तो कुछ लॉ होते हैं, तो हमारे जो अकाउंटेंट जो लॉ बनते हैं, ICA जो बनाता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भूल गया, तो वो जो लॉ बनाती है ना, उसके थ्रू हमें अकाउंटिंग करनी होती है, नहीं तो ये नहीं कि तुम चार लोग मुझे गांजा बेच रहे चले गए, लोग उठा के हम तो भाई पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो नहीं भाई, है ना? तो जो उसमें लॉ में लिखा हुआ वैसे ही सब करना है, तो वो पार्टनरशिप होगी। तो सब देखो, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, है ना? तो क्या होता है भाई, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में वो होता है, रिलेशन लोग होंगे, तो इसमें जो बिजनेस चलाया जाता है ना, किसी एक या तो इसके द्वारा चलाया जाएगा या इन सब के द्वारा चलाया जाएगा, पर क्या, जैसे मान लो इसके लिए अगर ये बिजनेस चला रहा है तो इन दोनों के लिए भी चलाएगा, अपने लिए बस नहीं चलाएगा, अगर ये दो बिजनेस चला रहे हैं तो किसके लिए चलाएंगे, इसके लिए भी चलाएंगे। तो देखो, तो ये लाइन लिखी है ना, देखो
व्हेन टू और मोर पर्सन ज्वाइन हैंड टू सेटअप अ बिजनेस, मतलब दो लोग मिलते हैं बिजनेस चलाने के लिए, क्या आपस में प्रॉफिट या लॉस कमा लॉस को बांटने के उद्देश्य से, तो क्या होता है वो पार्टनरशिप में आ गए ऐसा बोला जाता है। अब इसका इसमें पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो ये है, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब क्या पर्सन जो लोग हैं बिजनेस चला रहे हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हो गए हैं। और देखो बिजनेस कैरीड ओन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या या तो वो किसके द्वारा चलाया जाएगा, या तो वो सबके द्वारा चलाया जाएगा या वो किसी एक के द्वारा चलाएगा, पर किसके लिए चलाएगा, सबके लिए। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा थोड़ा सा, कोई एक चलाएगा वो भी सबके लिए, या सब लोग चलाएंगे वो भी सबके लिए चलाएंगे, तो वो पार्टनरशिप है ना। अब देखो ये क्या, अच्छा ऐसा, ठीक है। देखो पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअल कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, द नेम अंडर विच द बिजनेस कैरीड इज कॉल्ड अ फर्म, फर्म्स नेम। पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट, दस द एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप आ रहा, वो बता रहा है। तो देखो पार्टनर्स इंडिविजुअली जो अकेला अकेले उनको पार्टनर्स बोला जाता है, अगर वो साथ में है ना अगर वो कलेक्टिवली है मतलब सब लोग साथ में, तो उसे फर्म बोलते हैं। और फर्म का भी एक नाम होता है ना, फर्म का भी कोई नाम होगा, बिना नाम के तो फर्म चलाओगे ही नहीं। और पार्टनरशिप फर्म हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब पार्टनर्स अलग होते हैं, पार्टनरशिप अलग अलग एंटिटी होती है ना भाई। पार्टनरशिप में भी अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, आप अपना पर्सनल उसमें ला नहीं सकते, ठीक। देखो अब यहाँ पे जाओगे तो ये पांच है। अब जैसे कि इसमें पॉइंट लिखे हैं, देखो टू और मोर पर्सन, तो इसमें पार्टनरशिप में क्या था, मैक्सिमम 50 होंगे मिनिमम 2 होंगे, पहले बहुत सारे हो जाया करते थे, पर कुछ रूल के कारण यहाँ पे क्या कर दिया, मैक्सिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 50 होंगे मिनिमम 2 होंगे। एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप आप चालू करो बिजनेस चालू करो तो आपस में एक दूसरे के साथ मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट लिखित भी हो सकता है, मतलब क्या रिटर्न भी, और मौखिक भी हो सकता है मतलब ओरल, पर बेटर कौन सा है, रिटर्न सही है, नहीं तो बाद में कोई फेल गया तो बेटर रिटर्न ज़्यादा सही है। अब तीसरा देखोगे बिजनेस, द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस वेयर ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल इफ रोहित एंड सचिन जॉइंटली परचेस अ प्लॉट ऑफ लैंड, बिकम द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट अ पार्टनर, बट इफ दे आर इन द बिजनेस ऑफ द परचेस सेल ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, दे विल बी कॉल्ड पार्टनर्स। मतलब क्या है, जैसे तुम लोगों से आपसी सहमति से तुम्हारा दोस्त और तुम्हें कोई जगह ले ली, तुम लोगों ने घर ले लिया और तुमने बोले हम लोग पार्टनर है, तो तुम वहां पे पार्टनर नहीं हो, वहां पे क्या हो तुम लोग, परचेस एंड बिकम द जॉइंट ओनर, आप जॉइंट ओनर। पार्टनर कब हो, जब आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से उसको चला रहे हो। जैसे मान लो तुमने जमीन ली, फिर 2 लाख की जमीन ली, 3.5 लाख की बेच दी, फिर उसका जो 1.5 लाख रुपया था आपस में तुम लोगों ने बांट लिया, तो वो पार्टनरशिप होगी, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं होगी। अब देखो म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरीड बाय ओन बाय ऑल ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। बिजनेस कौन चलाएगा, सब चला लो या कोई एक चलाएगा, पर चलाएगा वो किसके लिए, सबके लिए, है ना, वो लाइन उसमें लिखी भी हुई है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, भाई मेन उद्देश्य क्या है भाई, प्रॉफिट को बांटना, तो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटोगे, वो सब भी रेशियो को आप क्या डिस्कस कर लोगे, भाई इतना तुम लेना इतना मिलूंगा। जैसे कि मान के चलो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जैसे मान लो ये प्रॉफिट है, तो इसमें से जो हिस्से तुमने जैसे बांटे, तो भाई एक इसको दे दिया, एक इस पार्टनर को दे दिया, एक इस पार्टनर को दे दिया, एक इस पार्टनर को दे दिया, जैसे 2 इसको दे दिया, एक एक इसको दे दिया, 4 दे दिया, तो ये क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना। हाँ वो तो ऑब्वियस है सब, वो कोई जैसे तुमने पैसा ज्यादा लगाया, मैं काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा दोगे, मुझे भी तो दोगे, फिर सैलरी दे दोगे, नहीं तो वो तो एग्रीमेंट में लिखी हुई होती सारी चीजें। अब लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, दिक्कत क्या है, पहले लाइबिलिटी ऐसी होती थी कि रेशियोज के हिसाब से लाइबिलिटी होती थी, जैसे कि भाई 2:1 में तुम्हारा प्रॉफिट है, तो लाइबिलिटी भी उस वैसे ही रहेगी 2 के, मतलब 3 का लॉस हो गया था, 2 तुम देना 1 वो देगा, पर अब ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग हो गया। देखो इच पार्टनर इज अ लाइबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर एंड ऑल्सो सेपरेटली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट ऑफ देम फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर, नॉट ओनली दैट द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज ऑल्सो अनलिमिटेड, दिस इंपायर्स दैट हिज प्राइवेट एसेट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट। मतलब ऐसा बोला जाता है अगर फर्म लॉस में गया है तो तुम्हारे घर के बर्तन भी बेच दिए जा सकते हैं उसको भुगतान करने के लिए। ये नहीं कि तुमने बोला भाई मैंने तो इतना पैसा लगाया था, मेरा तो इतना हिस्सा था, तो मैं इतने हिस्से का लॉस दूंगा, नहीं भाई, सबको बराबर जैसे तुम बांटना एग्री कर लो और
उसको देना पड़ेगा, तंग करना पड़ेगा। देखो पार्टनरशिप डीड होता है, तो यहाँ पे हमने पहले देखा तुमने क्या, पहले हमने देखा उसका डेफिनेशन, डेफिनेशन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। डेफिनेशन जो ये है वो ये है ना, रट लेना इसको, तो रिलेशन बिटवीन पर्सन है ना हु है, देखो बुक है इसको लिख लो, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ओन बाय ऑल एनी ऑफ देम फॉर ऑल, है ना, एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फीचर्स लिखे हैं ना, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। और कल से राठी की बुक ले आना भैया तुम लोग, है ना, मेरे को भी दिक्कत हो रही है उसमें थोड़ी। उसमें सिस्टमेटिक लिखा हुआ है ना, इससे अपन ये नहीं कर सकते कि अपन एनसीईआरटी को बुरा बोल रहे हैं, एनसीईआरटी को बुरा नहीं बोल सकते हैं। नहीं लिखो मत, जिसका है मत लिखो, पर तुम लोग लिख लो, दोनों लिख लो एक काम, और ये लाइन लिख लो और ये लाइन को पढ़ो, नहीं समझ में आया तो पूछना, फिर मैं और अच्छे डीपली से बता दूंगा तुम्हें। आ गया ना, पहले पढ़ लिया है क्या तुम लोगों ने, तुमने स्कूल में पार्ट से पढ़ लिया? अच्छा चल रहा है ना, ये सेकंड चैप्टर ही चल रहा है ना, ठीक, सॉरी सर, देख लो। एक आध दिन सर किसी को चोट करके जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। करेंगे अब है ना, थोड़ा चालू कर ही रहे हैं। बुक ले आना बस तुम लोग, आज से थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन दे लिया बस। देखो ये जो है ना, ये इसकी वो है कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक देखोगे ना, टू और मोर पर्सन, मतलब कितना, दो मैक्सिमम 2% होना चाहिए, मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 50, उसका एग्रीमेंट, उनके बीच में एग्रीमेंट भी होना चाहिए है ना, वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। उस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होगा भाई, बिजनेस का नाम भी देखो, अगर डीपली देखोगे तो बिजनेस का नाम होगा, प्रॉफिट कैसे बांटोगे, लाइबिलिटी कैसे बांटोगे, ये सब चीज़ें लिखी रहेगी। बिजनेस, एक बिजनेस भी होना चाहिए भाई मेन, है ना, नहीं तो बिजनेस ही नहीं है, पता चले उठा के तुम आपस में घूम रहे हो है ना, या फिर कोई आपस में गए हो कहीं पे उठा के कुछ भी कर रहे हो, मतलब तो वो बिजनेस नहीं होता है ना, पार्टनरशिप नहीं होती। जनरली हम बोलते हैं कि यार हम तो जैसे बिजनेस पार्टनर होते हैं है ना, तो अब देखो म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, आपसे सहमति होनी चाहिए भाई, बिजनेस कौन चलाएगा, नहीं तो आपस में लड़ लड़ उन्हें मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि प्रॉफिट तो बांटना ही चाहिए है ना, उसके बाद लॉस का है तो लाइबिलिटी है, देखो लॉस को भी बोलते हैं इक्वली बांटना चाहिए, पर लाइबिलिटी का थोड़ा सा रूल आ गया, इसको पढ़ लेना कि भाई लाइबिलिटी बांटने के लिए आपके घर से भी, मतलब कहीं आपसे पूरा पैसा लिया जाएगा, आप कहीं से भी लाओ। पार्टनरशिप डीड जो होता है ना, उसमें एग्रीमेंट ही होता है एक प्रकार से, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है। अभी हम इतना ही करते हैं, आज इतना ही रखते हैं अभी, है ना, अभी इतना पढ़ लो, उसके बाद में थोड़ा सा तुम्हें बेसिक बता देता हूँ कि अपन को जो अकाउंट में काम आने वाली है। देखो जब तुम चैप्टर पढ़ोगे, नहीं पार्टनरशिप का पढ़ोगे सेकंड चैप्टर, तो इसमें इसमें भी ना मैं बता देता हूँ, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ोगे तुम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल अकाउंट, क्या हुआ, हाँ इतना मेन मेन तो यही पढ़ने वाले हो, इसमें तुम कैलकुलेशन करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आज का तुम्हारा इतना काम रहेगा। पहली क्लास थी ना थोड़ी ऐसी रही होगी, तो तुम्हें एक तो सबसे पहले डेबिट क्रेडिट रूल थोड़ा क्लियर करके आना है ना, डेबिट क्रेडिट रूल क्लियर करने के बाद उसके बाद जो ये थ्योरी, दो एक तो उसकी डेफिनेशन और उसका जो उसके वो है कैरेक्टरिस्टिक,